हेलो गाइस, आज का टॉपिक कुछ हटके है क्योंकि ये वाटर लिली के बारे में है कि मैं अपने वाटर लिली के टब को कैसे क्लीन करती हूँ, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों के वाटर लिली ग्रो करना सबको पसंद है मगर ये गंदा भी पूरा हो जाता है, तो इसको कैसे क्लीन करें। मेरे इस टब में फिश भी है तो मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये मैंने पूरा वीडियो इसीलिए बनाया है कि अगर किसी को वाटर लिली घर में ग्रो करना है तो फिर एक आइडिया हो जाए कि इसको क्लीन कैसे करते हैं। वैसे मैं हर महीने क्लीन नहीं करती, मैं हर 2 महीने में ये क्लीन करती हूँ, मगर कैसे क्लीन करती हूँ ये भी एक जानने लायक टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं। तो अगर दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन देना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने वाटर लिली के सभी पॉट को बाहर निकाल रही हूँ। मेरे इसमें 3 पॉट है वाटर लिली के, एक ये है और दूसरा 2 पॉट है, मैं अभी निकाल के बताऊंगी। देखिए इसमें कितनी सारी बर्ड्स आ गई है। मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि हमें रिपोर्ट करना पड़ता है मार्च के दौरान, क्योंकि ये सर्दी में डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो मैं तब ये अपना पॉन्ड है छोटा सा मैं क्लीन नहीं करती, पूरी सर्दी ऐसे ही रखती हूँ। फिर मैंने ये 2 वाटर लिली के जो पॉट है अभी मैं निकाल रही हूँ, वो मैंने रिपोर्ट कर दिया है, उसका वीडियो भी मैं मेरी चैनल पे आएगा। तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मैंने क्या किया है, इसमें मैंने काफ़ी फ़िश डाली है, गप्पी फ़िश है, तो मैं सबसे पहले नेट से फ़िश को निकाल लूँगी। काफ़ी सारी यानी 200-300 जितनी फ़िश है, तो ये निकालना भी एक बड़ी टास्क है। तो और मैं एक बकेट में पानी भर के सभी फ़िश पहले उसमें निकाल लूँगी क्योंकि नीचे पूरा कचरा जमा हुआ है, क्योंकि सर्दी यानी कि 3 महीने से ये क्लीन नहीं हुआ, तो नीचे पूरी मिट्टी और फिश का जो वेस्ट होता है वो सब इस पानी में है। तो मैं इस हिसाब से पहले फ़िश को निकाल लूँगी। तो दोस्तों हमने ऑलमोस्ट सभी फ़िश निकाली है, मगर फिशेस के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी बारीक होते हैं और ये पानी गंदा है, ब्लैक कलर का हो गया है, तो इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ लास्ट में जो भी पानी बचता है हम इसे ऐसे निकाल लेते हैं ताकि कोई भी बच्चा मरे नहीं और नज़र में आ जाए अगर है तो। तो देखिए इस तरह यहाँ पे होगा एक छोटा सा बच्चा, तो वो हम निकाल के उसको उस बकेट में, पानी वाले बकेट में डाल देते हैं। तो फिर दोस्तों ये मुझे पूरा टब साफ़ करना पड़ता है, स्क्रबर से घिस के ये मैंने पूरा साफ़ कर लिया है क्योंकि इसमें चारों ओर अलगी लगी हुई होती है, तो घिस के साफ़ करना पड़ता है। तो देखिए अब हमने इसमें वापस से थोड़ा एक बकेट जितना पानी डाल दिया है और फिर हम सभी फिश जो है वो दोबारा उस बकेट में से लेके हम टब में डालेंगे। सभी फिश को ऊपर हाथ रखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी फिश है वो जंप भी करती है, तो जंप करके वो गिर ना जाए, इसीलिए देखिए कितनी सारी है। तो ऐसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं सभी फिश को। और सभी फिश एक बार ट्रांसफ़र हो जाए फिर हम क्या करेंगे, सभी वाटर लिली के पॉट को वापस से हम इस टब में रख देंगे। और रखने टाइम ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि अगर फोर्सफुली आप इसमें फटाक से डाल दोगे तो क्या होगा कि मिट्टी ऊपर आ जाएगी और प्लांट भी ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि इसमें वेट नहीं होता ना, तो इसीलिए आपको सावधानी से ये काम करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम हर 1 महीने नहीं पर 2 महीने के बाद हम इसको फिर से क्लीन करेंगे क्योंकि ये पानी पूरा गंदा हो जाएगा और अलगी हो जाएगी। फिश हमने इसीलिए डाली है कि इसमें हो सके उतनी कम अलगी हो, मगर सनलाइट आती है तो पानी है तो फिर थोड़ी सी अलगी होगी ही होगी, इसीलिए हमें इसे क्लीन करना भी इतना ही ज़रूरी होता है। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगला वीडियो आने तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।